हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 11th केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ऑन एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. हमने क्या किया, जो आपके पास एलिमेंट है उसके क्या है, आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का क्या है, मास तो सेम होता है. मास क्या है, सेम है, बट जो एटॉम, सॉरी, मास क्या है आपका, डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम होगा. एटॉमिक नंबर सिमिलर होगा, मास नंबर आपका वेरी करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या है, एक तो कार्बन 12 है आइसोटोप्स, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है. ठीक है, तो आइसोटोप्स है ये कार्बन के 3. ठीक है, तो ये क्या है, सबसे स्टेबल आइसोटोप है आपका. ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम जो क्वांटिटी में मिलता है हमें, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे. तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो हम इस आइसोटोप से कंपेयर करते हैं कि इससे वो कितना हैवियर है. ठीक है, तो जो आपका एटॉमिक मास है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कार्बन 12 जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, स्टेबल है. ठीक है, स्टेबल होने की वजह से इसको क्या है, स्टैंडर्ड लिया गया. ठीक है, फिर हम जितने भी एलिमेंट है, जब भी हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या कंपेयर करते हैं, उस एलिमेंट का मास को कंपेयर करते हैं हम कार्बन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से, कितना हैवियर है वो 1/12 कार्बन एटम से. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन जो भी एटम का मास होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, जो आपका कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे इसमें, उसके साथ कंपेयर करना है. ठीक है, फिर हमने बात की थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कि इसका जो मास है वो फिक्स होता है. ठीक है, वो सब में, आपके सब एलिमेंट में यही होगा 1.007 और लाइक दिस. ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट किया था हीलियम का मास. ठीक है, कि कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर हीलियम का हमारा 2 है, तो हमें पता है जितने आपके नंबर ऑफ, हमको ये पता है अगर हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 2 है. ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो आपको पता है कि हीलियम में क्या है, एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2, क्योंकि ये इक्वल होता है जेड के, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर के. ठीक है, तो न्यूट्रॉन को फिर फाइंड आउट करो, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे. ठीक है, 2, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 2. ठीक है, एलिमेंट में. ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन तो आपके आगे 2, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन आगे और 2 आपके इलेक्ट्रॉन आगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी मास फाइंड आउट करना है तो आपने मास के, प्रोटॉन का कितना है, ठीक है, ये तो 1 प्रोटॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का, ये हर एटम में सेम रहेगा. ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास मास आ गया. ठीक है, टोटल मास में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एड अप कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेट 4.031 आया. तो हीलियम का क्या, हमने 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट ले लिया. ठीक, सिमिलरली अगर हमने 4 AMU आया, ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ये तो टोटल मास ऑफ एन एटम आया, ठीक है, इज प्रोटोन इलेक्ट्रॉन, ये 4, ठीक है, AMU. तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कैसे निकालते हैं, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, मास कितना आया, 4, ठीक है, अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 का कितना है, 12, तो कैंसिल हो गया, तो ये 4 AMU आया आपका. इट मीन्स एन एटम ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 कार्बन ऑफ
एटम, कार्बन एटम, ठीक है। फिर हमने बात की थी एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट यूनिट क्या थी? क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन एटम। फिर हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास यूनिट क्या है आपकी? इसको सिंपली जो हम बोल सकते हैं, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो हमारे पास पिछली वैल्यू है, जो भी हम AMU डिनोट करते हैं, जब भी हम इसको क्या है एटम्स की वैल्यू ग्राम्स में चेंज करेंगे, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की जो भी क्वांटिटी आती है हमारी, उसको क्या है चेंज करते हैं AMU से ग्राम्स में लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, देन द वैल्यू बिकम्स इन ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए ये वैल्यू क्या है ग्राम एटॉमिक मास में लिखी जाती है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ Na एटम, Na मींस एवोगाड्रोस नंबर एटम्स, ठीक है। अब कैसे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या है, इसको हम आल्सो क्या बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, ठीक है। आपके पास ये डेफिनेशन भी है, ठीक है, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम, 1 मोल्स एटम्स का मास क्या है ग्राम्स में जब हम लिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका मतलब क्या है 1 मोल को क्या है ग्राम्स में, ठीक है। अब 1 मोल किसके इक्वल होता है, ठीक है, 6.022 × 10⁻³। तो 1 एटम अगर ऑक्सीजन ले लो, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना है 6 AMU, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ग्राम्स में चेंज करता है, जब हम ग्राम लिखेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, अब ग्राम एटॉमिक मास मींस 6.022 × 10⁻³, ठीक है। अब 1 एटम का तो ये है, 1 मोल एटम में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना 16 AMU को, ठीक है। ये हो गया आपके वैल्यूज़ की, ठीक है। अब क्या है, अब AMU को चेंज करना हमने ग्राम में, ठीक है। तो आपने वैल्यू प्रीवियस उसमें हमने निकाली थी AMU इज इक्वल टू 1 AMU 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ठीक है। तो ये क्या आ गई 6.022 × 10⁻²⁴ × 16 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू 1 आती है, तो ये आ गया 16 ग्राम के इक्वल। तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम, ठीक है। बस आपने याद रखना है ग्राम एटॉमिक मास में जो वैल्यू आप एटॉमिक मास की क्या किस में लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, उसको चेंज करना है आपने, कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हीलियम का किया था पीछे, ठीक है, मास ऑफ हीलियम 4 है, ठीक है। AMU जो आपकी एटॉमिक मास यूनिट 1.67 × 10⁻¹, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम इन ग्राम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1.670। अब ग्राम एटॉमिक मास आपका एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है, तो इसको क्या है हीलियम के मास से आपने ग्राम्स ये इसको कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई सॉरी कर देना है, तो ये आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 4, ठीक है। ये सॉरी ग्राम्स, हाँ ग्राम्स में ही आएगा ये, ठीक है। फिर बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस, ठीक है।
जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है, हमारे पास एक ही एलिमेंट के क्या है डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 भी है, 13 भी आइसोटोप है और 14 भी है, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर ये मास नंबर क्या है वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं इनका एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, मतलब सेम एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स है उनको क्या है आप कंबाइन करके क्या है उनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जितना परसेंटेज आपकी नेचुरल परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट उसका प्लस सेकंड आइसोटोप्स को, ठीक है, उसका जो अबंडेंस है कितना है आपका, ठीक है, तो उसको क्या है आपने प्लस करना है अपॉन 100% की टोटल एज्यूम करना है आपने 100% है। तो एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल अगर कार्बन जो आपका 98% है, ठीक है, तो यहाँ पे 1% ये 1.something% ये है और जो आपका ये कार्बन 14 ये नेग्लिजेबल टाइप है 2.10^-10, ठीक है, तो इसका क्या है एटॉमिक मास है 14, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपके पास जो एटॉमिक मास आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास 12.001 अप्रॉक्सीमेट 12 AMU, ठीक है। तो जो सेम आपके जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है 12 आ गया आपका कार्बन का, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम इसी टाइप से फाइंड आउट करते हैं कि आपने क्या करना है टोटल अबंडेंस नेचुरल में कितनी उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, उस एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल आप इससे समझ लो कार्बन है, कार्बन के अगर ले लो 13, 14 और 12 आइसोटोप है, ठीक है, तो आपके पास अगर कार्बन 12 क्या है 99% है नेचर में, ठीक है, और ये क्या है 1% है, और जो कार्बन ये आपका 12 है ये 13 है और ये क्या है आपका 14, ठीक है, तो 14 तो ये समझो नेग्लिजेबल है, ये बहुत कम होता है, नेग्लिजेबल है, ठीक है। तो एवरेज क्या आता है एवरेज, ठीक है, एवरेज क्या है गाइस का कि टोटल जो आपका मास इनटू आपका नेचर में कितना परसेंट है, ठीक है, 99, ठीक है, प्लस 13 × 1 अपॉन आपका 100, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाता है 12, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है आपका कार्बन का वो 12 होता है।